एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जब से थिएटर्स में लगी है तब से फिल्म देखने वालों के दो रिएक्शन रहे, एक तो वाओ और दूसरा ये कि आखिर ये फिल्म उस लेवल पर आकर क्यों खत्म हो जाती है जहां पर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। जी हाँ, फिल्म की कहानी कुछ ऐसी जगह पर ही खत्म होती है जहां पर अगली फिल्म का इंतजार बढ़ जाता है, अगली फिल्म यानी कि एवेंजर्स 4। पर एवेंजर्स की अगली फिल्म को लेकर कई तरह के रूमर्स आने लगे हैं, खास तौर पर एवेंजर्स 4 के टाइटल को लेकर। तो चलिए जरा इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एवेंजर्स 4 का टाइटल क्या हो सकता है, क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी स्टार्क ने और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अगली फिल्म का टाइटल हिंट दिया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है एवेंजर्स 4 के बारे में, यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अगले पार्ट के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आजकल ये हो रही है कि आखिर इस अगली फिल्म का नाम क्या होगा, क्योंकि फिलहाल इसे एवेंजर्स 4 ही कहा जा रहा है, टाइटल डिसाइडेड नहीं है। वैसे देखा जाए तो मेकर्स ने अभी तक एवेंजर्स 4 के टाइटल का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देख ली है तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। दरअसल अगर आपको सीन याद हो तो जब टाइटन ग्रह पर थैनोस की वॉर होती है टोनी स्टार के साथ, स्पाइडरमैन के साथ, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, स्टार लॉर्ड के साथ और कई कैरेक्टर्स के साथ, तब उस दौरान थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन पाना चाहता है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज पहले भी टोनी स्टार को कह चुका है कि अगर मुसीबत आई तो मैं पहले टाइम स्टोन को बचाऊंगा, तुम लोगों को नहीं। लेकिन टोनी स्टार को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपना टाइम स्टोन यानी कि समय मणि थैनोस को दे देता है। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना टाइम स्टोन थैनोस के हवाले कर देते हैं तो टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। देन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, वी आर इन द एंड गेम। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश में इस फिल्म को देखा है तो डॉक्टर स्ट्रेंज का डायलॉग होता है उस वक्त सिर्फ एक लाइन का, वी आर इन द एंड गेम। वहीं पर आपने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन भी देखी है तो उस वक्त भी टोनी स्टार्क अपनी टीम से बातचीत के दौरान कहते हैं दैट्स द एंड गेम। तो इस तरीके से एवेंजर्स 4 के टाइटल को लेकर माना जा रहा है कि इसका नाम हो सकता है एवेंजर्स एंड गेम, क्योंकि अगले फिल्म में वॉर वाकई खत्म होने वाली है। हालांकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एक खास बात और रही, जब फिल्म खत्म होती है तो उसके बाद सबसे एंड में आता है थैनोस विल रिटर्न, बजाय इसके कि एवेंजर्स विल रिटर्न, यानी कि थैनोस का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फिलहाल तो इतना जरूर माना जा रहा है कि पिछले फिल्मों के हिसाब से, टोनी स्टार्क के हिंट के हिसाब से, डॉक्टर स्ट्रेंज के डायलॉग के हिसाब से अगली फिल्म का नाम हो सकता है एवेंजर्स एंड गेम, और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर खूब चर्चाएं हो रही है, इसी को लेकर डिस्कशन हो रहा है कि आखिर फिल्म का नाम यही हो सकता है, यानी कि एवेंजर्स एंड गेम। बहरहाल आपको क्या लगता है कि एवेंजर्स 4 का टाइटल क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, जरा कमेंट सेक्शन में हमें बताइए जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।